देखिए कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी, आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु राहुल गांधी को कम से कम ये बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम 30 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रखा और कभी इसका उसको ओपन नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, राहुल गांधी के पिताजी, शायद उनको मालूम नहीं उनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक बीसी को, ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत पानी पी पी कर, 6 बार पानी पिए वो, बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं, टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, दो तीन उनको मालूम नहीं है। भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी आपके दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है जी। ये अब यहां पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। और इनको टॉप सेक्रेटरीज दिखाई पड़ते हैं जो उन्होंने भर्ती करे थे। मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हुए और देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, उनको ये नहीं दिखाई देता। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम है कि वो स्टडी ही नहीं करते हैं, जो उनको पकड़ा देते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ वो सीधा पढ़ जाते हैं दुनिया के सामने, इसलिए वो फंसते हैं।